सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं राम मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ गवर्नमेंट जॉब एकेडमी चैनल पे। दोस्तों, हम लोग अपना अगला टॉपिक अब पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वर्ल्ड विचार का टॉपिक पढ़ रहे थे। वर्ल्ड विचार को हमने 5 भागों में बांटा था। इसके बाद हमने उसका पहला जो था व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर, जिसमें क्या थे दोस्तों, जिसमें शब्द थे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये हमने पढ़ लिया। और दूसरा जो था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, आज का हमारा उसका आगे का दूसरा है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तो दोस्तों, इसको हमने 5 भागों में बांटा था। कौन कौन सा था? तत्सम, दूसरा था तद्भव, उसके बाद देशज, चौथा क्या था विदेशी, और पांचवा क्या था दोस्तों संकर शब्द। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा दोस्तों, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तत्सम पढ़ेंगे, तद्भव पढ़ेंगे, देशज पढ़ेंगे, विदेशी शब्द पढ़ेंगे, संकर शब्द पढ़ेंगे। तो दोस्तों, तत्सम क्या है, तत्सम शब्द क्या है, पहले इसको हम तोड़ेंगे। तत् प्लस सम, तत् मतलब क्या होता है उसके, तत् मतलब होता है दोस्तों उसके, सम मतलब समान। तो पहले आप देखेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो दोस्तों स्टार्टिंग से देखेंगे संस्कृत, संस्कृत बाद पाली, पाली के बाद प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद अपभ्रंश, अवहट, फिर पुरानी हिंदी, फिर ऐसे भाषा का जन्म हुआ। तो अब हम हमारा जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है दोस्तों भाषा की, वो भी तो संस्कृत से ही है, सबसे पहली पुरानी भाषा से जाएगी। तो तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, जो शब्द संस्कृत भाषा से एज इट इज वैसे ही सेम चले आए वो हमारे हो गए तत्सम शब्द। तो आप तत्सम का क्या बताएंगे, तत्सम की परिभाषा, जो शब्द संस्कृत से सेम के सेम वही शब्द चले आए वो हो गए हमारे तत्सम शब्द। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे हृदय, हृदय क्या है, हृदय तत्सम शब्द है, हृदय क्या है तत्सम शब्द है। और इसको देसी में क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं, क्या बोलेंगे हृदय। ऐसे ग्राम, ये क्या है दोस्तों, ये संस्कृत शब्द है, ग्राम, हृदय, ग्राम, प्रकाश, ये सब क्या है संस्कृत से ऐसे ही चले आए। कर्ण, कौन सा कर्ण, दानवीर कर्ण नहीं, कान, ये कर्ण मतलब कान। तो ये सब कैसे शब्द हैं दोस्तों, ये शब्द सूर्य, ये शब्द एज इट इज संस्कृत से ही लिए गए हैं और आज भी इसका उच्चारण हम इसी प्रकार करते हैं। और ये शब्द कौन से हैं, संस्कृत के शब्द हैं। तो ये शब्द कौन से हैं, तत्सम शब्द हैं, जो संस्कृत से डायरेक्ट उसी प्रकार हमारे भाषा में आ गए वो क्या हो गए, तत्सम हो गए। ऐसे ही तद्भव, तद्भव का जब हम खंडन करेंगे क्या होता है, तत् प्लस भव, तत् मतलब उसके, भाव मतलब पैदा होना, जो उससे पैदा हुआ हो, किससे संस्कृत से, जो संस्कृत से पैदा हुआ हो वो क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, रात्रि है, रात्रि है तो संस्कृत शब्द, लेकिन हम इसे क्या यूज करते हैं, रात्रि, रात, रात यूज करते हैं, रात्रि का क्या यूज करते हैं दोस्तों, रात। वैसे ही रात्रि का रात हो गया, और तद्भव शब्द में सत्य, सत्य का क्या यूज करते हैं दोस्तों, सच, ये कैसे शब्द हैं, ये शब्द हैं आपके तद्भव। अब वहां यूज करते थे संस्कृत में
सत्य, और यहाँ यूज कर रहे हैं सच। जिसे आपसे कोई बोले सच सच बताना, वो ये नहीं बोलेगा सत्य सत्य बोलना। सत्य सत्य बोलना कहाँ प्रयोग किया जाएगा? संस्कृत वाले शब्द से। और जब उसे तद्भव में प्रयोग किया जाएगा तो लोग बोलेंगे सच सच बताना। जैसे सूत्र, जैसे हम एक उदाहरण और लेते हैं, सूत्र ये है संस्कृत शब्द। अब इसका क्या हो जाएगा? सूत, सूत्र धागा। इसको किस में यूज करते हैं? तद्भव में। सूत ऐसे यूज करते हैं। तो तत्सम हो गया, जो संस्कृत से सेम एज इट इज वैसे ही चला आया हमारी भाषा में। तद्भव हो गया जो संस्कृत से परिवर्तित होकर आया, जैसे रात्रि का रात, सत्य का सच, सूत्र का सूत। और देशज क्या है दोस्तों? ये देशज शब्द वही है जो हमारे प्रांत से, बोली से, भाषा से डायरेक्ट आ गया हो इसमें। जैसे कई प्रांत हैं, अलग अलग जगह अलग अलग यूज किया जाता है। चलिए इसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। देशज शब्द, देशज शब्द में दोस्तों जैसे हो गया लाठी, ये एक प्रांत से आया है। पगड़ी, ये प्रांत से आया, ये ना तो संस्कृत शब्द है ना तो तद्भव शब्द है। लाठी हो गया, पगड़ी हो गया दोस्तों, लोटा हो गया, ये कैसे शब्द हैं? ये शब्द हमारे भाषा से, प्रांत से आए हैं। धोती हो गया, अरविंद केजरीवाल वाली झाड़ू भी हो गई दोस्तों, ये शब्द कहाँ से आया है? देशज हैं ये शब्द। ये सब विभिन्न प्रांत से, भाषा से आते हुए ये भाषा में ग्रहण कर लिए गए। तो ये देशज जैसे शब्द से ही, देशज मतलब देश में उत्पन्न हुआ, ये शब्द यहीं उत्पन्न हुआ है। इसका ओरिजिन उत्पत्ति यहाँ से नहीं है, ना तो यहाँ से है, ये हमारे क्या है, देश में उत्पन्न है। विभिन्न भाषा, प्रांत, बोली से जो हम आ गए, उत्पन्न हुए हैं, उनको हम क्या कहेंगे? देशज शब्द कहेंगे। अब ऐसे दोस्तों विदेशी शब्द, विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, ये दोस्तों क्या है? ये अपना देश है? नहीं है ना, अरब देश अपना, ये क्या है? विदेशी शब्द, ये विदेश से आए हैं। कैसे? जैसे देखो हो गया डॉक्टर, नर्स, कार, स्कूल, ये सब कैसे शब्द हैं? ये सब दोस्तों अंग्रेजी शब्द हैं। ये सब कैसे शब्द हैं? अंग्रेजी शब्द हैं। अब जैसे फारसी शब्द ले लो, फारसी ले लो, फारसी ले लो आप, जैसे जहाज, इनाम, ये शब्द कैसे शब्द हैं दोस्तों? फारसी शब्द हैं ये। नजर, खत, ये सब कैसे हैं? फारसी। जैसे जहाज, इनाम, नजर, खत, ये कैसे शब्द हैं? फारसी शब्द हैं। और ये रहा संकर शब्द। संकर मतलब दोस्तों मिला जुला, जो मिल के बने, दो शब्दों से मिलकर बने, मतलब संकर वर्ड हो जाए, उसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो जाता है दोस्तों। ये मिल के बनता है, ना तो ये विदेशी है, ना तो ये देसी विदेशी या किसी और चीज़ से, दो से, जैसे मान लो ये हो गया अंग्रेजी, हो गया मिल गया, अगर दो शब्द से मिल गया तो क्या हो जाएगा? ये संकर हो जाएगा। जैसे लाठी चार्ज, तो इसमें दोस्तों पहला भाग जो लाठी है, लाठी चार्ज होती है ना, आपको पता ही होगा जब भीड़ होता है दंगा नियंत्रण के लिए लाठी चार्ज होती है, तो लाठी जो है वो ठेठ है, लठ ना, अपना हरियाणा प्रांत, इधर लठ भाजने वाला, तो ये लठ हो गया लाठी, और चार्ज जो है इंग्लिश शब्द हो गया, लाठी चार्ज हो गया ये। और वैसे ही देखो, पांच हमने पढ़ा, तत्सम पढ़ा, तद्भव पढ़ा, देशज पढ़ा, विदेशी पढ़ा, संकर पढ़ा। जैसे एक दूसरा उदाहरण वर्षगांठ। अब वर्षगांठ क्या है दोस्तों? एक इसमें वर्ष संस्कृत है और गांठ ये ठेठ वाला शब्द है, तो वर्षगांठ ये दो शब्द से मिलकर बना, ये क्या हो गया? संकर शब्द हो गया।
तो दोस्तों हमने पांच पढ़ा, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर बहुत अच्छे तरीके से, तत्सम जो संस्कृत से डायरेक्ट हमारी भाषा में बोली में चले आए, तद्भव जिनका जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई हो, जिनको हम अपने हिसाब से बदल लिए हों, तद मतलब समान, भव मतलब पैदा हुआ, देशज शब्द जो हमारे विभिन्न भाषा प्रांत बोली से आ गए हों, तीसरा क्या, चौथा क्या था, विदेशी शब्द जिसको आपने देख ही लिया, विदेशी अरबी फारसी पुर्तगाली ये सब कौन से शब्द थे, ये सब दोस्तों विदेशी शब्द, संकर शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना हो, एक तो हो गया जैसे लाठीचार्ज और वर्षगांठ। तो आज हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर वाला चैप्टर, ये सेगमेंट, इसका खंड पूरा हो गया। अब हम लोग अपने तीसरे अर्थ के आधार पर था, चौथा क्या था, व्याकरणिक प्राकार के आधार पर था, और पांचवा क्या था, प्रयोग के आधार पर था। तो अब हम लोग जो अर्थ के आधार पर है उसमें थोड़ा सा ही समझना है, उसके बाद चौथा जो व्याकरणिक आधार के प्रकार पर है दोस्तों, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, उसमें विकारी है और अविकारी है। जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों वो विकारी और अविकारी पे आते ही आते हैं। जब पद का विन्यास किया जाता है तो विकारी और विकारी की अविकारी की बहुत भूमिका होती है। जैसे सीटेट के एग्जाम पे जब पैसे जाता है, आपका पद विन्यास करने के लिए दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें पद को विभाजित करो, एक एक खंड को विभाजित करो, ये क्या है, ये क्रिया है, क्रिया विशेषण है ना, तो वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगली वीडियो में हम लोग अर्थ के प्रकार के साथ साथ किसका, व्याकरणिक प्राकार के आधार पर भी शब्दों का रचना पढ़ेंगे। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद, अब मिलेंगे अगली क्लास में।